आपके सेंटर पर 10 SBI कस्टमर आ रहे होंगे तो 10 में से केवल 2 या 3 ही SBI कस्टमर के अकाउंट से आप लोग AEPS का काम कर पा रहे होंगे, जिसमें आप लोग AEPS से कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी या फिर मिनी स्टेटमेंट का काम कर ले रहे होंगे। बाकी 6-7 SBI कस्टमर के अकाउंट से आप लोग को सस्पेक्टेड फ्रॉड या फिर पेमेंट डिस्क्लाइम बाई बैंक या फिर 30 मिनट वेटिंग वाला प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा होगा। देखिए सभी AEPS कंपनियों में अलग अलग तरीके से यह एरर शो कर रहा है। कुछ कंपनियों में आप लोग को सस्पेक्टेड फ्रॉड के नाम से मिलेगा, कुछ कंपनियों में पेमेंट डिसलाइन बाई इशुअर बैंक का देखने के लिए मिलेगा, या फिर कुछ कंपनी में आप लोगों को 30 मिनट वेटिंग वाला प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, जिसमें लिख करके आता है साफ साफ यू मे बी ट्राइंग टू डू मोर देन वन कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन फॉर द लास्ट 30 मिनट, ठीक है, जो कि नहीं है अलाउड। ठीक है, ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा होगा। और जहां तक अभी तक पता चला है कि यह प्रॉब्लम उन सभी कस्टमर के अकाउंट से आ रहा है जिन कस्टमर के अकाउंट्स में उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, और जिन कस्टमर के अकाउंट में उनका मोबाइल नंबर लिंक है उनमें उनके अकाउंट में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, उनका AEPS सक्सेसफुल काम कर रहा है, चाहे बैलेंस इंक्वायरी कर रहे होंगे चाहे कैश विड्रॉल का काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी एक कस्टमर थे जो कि अभी फोन पे गूगल पे में अपने SBI बैंक अकाउंट को लिंक कर रखा है, और गूगल पे फोन पे में अपने SBI को लिंक करने का मतलब ये है कि साफ साफ है 100% है कि उनके बैंक अकाउंट में उनका मोबाइल नंबर लिंक है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जब AEPS से मेरे पास पैसा निकलवाने लगे तो उनके अकाउंट्स में सस्पेक्टेड फ्रॉड आने लगा। ठीक है, और उनके अकाउंट्स में जो है मैंने जब DGPay से ट्राई किया तो DGPay में उन्हें जो है कि पेमेंट डिस्क्लाइन बाई बैंक का इशू आ गया। ठीक है, तो अब इसे क्या कह सकते हैं, ये SBI का कुछ नया एजेंडा है क्या? ठीक है, पहले तो मान लीजिए बैंक का बड़ौदा में यह प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता था, कुछ समय देखिए सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी बैंक का बड़ौदा से पैसा निकल जा रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आ चुका है कि पूरी तरीके से AEPS जो है डाउन हो चुका है, किसी भी ID से किसी भी कंपनी से भी बैंक का बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है। तो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा के जैसा ही यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी होने वाला है? क्योंकि देखिए अभी तो मात्र 10% ही कस्टमर का जो है पैसा यहां पर निकल पा रहा है, बाकी 90% कस्टमर का पैसा यहां पर नहीं निकल पा रहा है। तो भाई देखिए इसमें बैंक में काफी ज्यादा भीड़ लग चुका है केवल मोबाइल नंबर लिंक कराने के लिए। लेकिन यहां पर ताजुब तो तब हुई कि जब मोबाइल नंबर लिंक होते हुए भी उनके अकाउंट से सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है, तो क्या मोबाइल नंबर लिंक हो जाने से पैसा निकल जाएगा? अब आने वाले समय में ही पता चलेगा, जब वो लोग का मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा इसके बाद पता चलेगा कि उनके अकाउंट से पैसा निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि SBI इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है। अगर मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का AEPS अगर किसी तरीके से अगर डाउन पूरी तरीके से हो जाता है, ठीक है, तो लाखों हजारों भाई CSP संचालक का रोजगार जो है छीन जाएगा, साथ में कस्टमर की भी परेशानी बहुत ही ज्यादा यहां पर बढ़ने वाली है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये फंडा लाता है कि नहीं हम मोबाइल नंबर लिंक होगा तभी पैसे निकलेगा, तो भाई इसी रूल पर होना चाहिए। अदरवाइज सही है कि एग्जांपल देखने की मिल गया कि उनका भाई गूगल पे फोन पे में अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भाई उनका पैसा नहीं निकल रहा है। अगर इस तरीके से अगर बात करें तो इस समय इनवैलिड ट्रांजेक्शन इस समय फिर से आने लगा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। कुछ समय था कि पैसा निकल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी इस समय इनवैलिड ट्रांजेक्शन जो है आने लगा है। अगर इसी तरीके से बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए पहले जो है कि सस्पेक्टेड फ्रॉड कम आ रहा था, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा आने लगा है, यानी कि अब काम ही नहीं करता है AEPS। ठीक है, तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर ऐसा करता है तो उसे इस तरीके से करने से रोकना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें देखिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ये जो है डिसीजन लेती है, तो इसमें केवल वही कर सकता है, कस्टमर ही कर सकता है। कस्टमर ही भाई जो है अब कैसे करेगा कस्टमर, ये तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, लेकिन कस्टमर ही इस सर्विस को जो है रोक सकता है जाने से। अदरवाइज AEPS अगर चला गया तो CSP संचालक के साथ साथ जो ग्राहक लोग हैं, ग्राहक को भी काफी ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। यहाँ पर 2,000-1,000 रुपए निकालने के लिए भाई काफी ज्यादा घंटों घंटों बैंक में लाइन लगाना पड़ जाएगा, और इसमें लगाना पड़ भी रहा है भाई, इसलिए AEPS को जो है रोक देना चाहिए, AEPS को जाने देना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आप लोग को हेल्प मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए